जी सलाम अलैकुम, मैं इब्रार बात कर रहा हूँ दुबई से। तो मेरे जस्ट दो क्वेश्चन थे सर के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि अगर डोज़ के रिलेटेड, कि अगर फॉर एग्जांपल हमें कई दफ़ा होता है कि डोज़ जैसे 1.5 mg है, तो अगर हम 1 mg लेते हैं किसी और ब्रांड की और 0.5 mg लेते हैं किसी और ब्रांड की, तो उससे कोई फ़र्क पड़ता है? अगर 1.5 मैंने लेनी है, 1 mg किसी और ब्रांड की ले लूँ, 0.5 mg किसी और की ले लूँ, तो उससे कोई इफ़ेक्ट होगा? कोई नुकसान तो नहीं है? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी तकरीबन 4 साल हो गए मुझे ट्रांसप्लांट के, तो जो हम टेस्ट करवाते हैं टैक्रोबेल का या प्रोग्राफ लेवल का, तो वो हर कितने अरसे के बाद करवाना चाहिए? पहले तो ये था कि 3-4 महीने, लेकिन अभी 5-6 महीने हो जाते हैं, तो क्या सही तरीका, क्या कब करवाना चाहिए दोबारा से जो रिपीट करवाते हैं? काइंडली इसका बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच जी। देखिए, जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि दवाई की डोज़ और दो मुख्तलिफ ब्रांड्स को मिक्स करना, यकीनन ये आइडियल नहीं है कि आप 0.5 एक ब्रांड की ले रहे हो या 1 mg दूसरे ब्रांड की ले रहे हो। बट आई अंडरस्टैंड कि पेशेंट्स को ये दवाइयाँ हासिल करने में प्रॉब्लम आता है। तो ऐसी सूरत में मैं आपको जिस एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर आप 1.5 सुबह और 1.5 शाम ले रहे हैं और आपको प्रॉब्लम है कि 0.5 किसी और ब्रांड की मिल रही है और 1 किसी और ब्रांड की मिल रही है, तो ऐसी सूरत में दो डिफरेंट ब्रांड्स लेने की बजाय आई वुड एडवाइज़ कि आप एक ही ब्रांड की लें और आप एक टाइम पे 2 mg ले रहे हैं और दूसरे टाइम पे 1 mg, यानी आपकी जो टोटल डोज है वो 3 mg पर डे है जो आप ले रहे हैं। तो आप 2 mg एक सुबह सुबह या शाम ले लें और दूसरे टाइम पे आप 1 mg ले रहे हैं। तो इस तरह आप ये ब्रांड मिक्सिंग ना करें तो ये आइडियल है। लेकिन अगर कोई एक्यूट शॉर्टेजेस की सिचुएशन हो जाए कि आपको इतनी दवाई मिल ही नहीं रही और दो ब्रांड्स ये मिल के आपने डोज़ पूरी करनी है, तो फोज वो जो शॉर्टेज का पीरियड है उस हद तक ज़ाहिर है यू डोंट हैव अ चॉइस, तो आप कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ब्रांड तो एक ही इस्तेमाल करें ताकि आपके लिवर टेस्ट, फिर अगला सवाल आपका टैक्रोलिमस लेवल के बारे में है कि उसमें अगर डिस्पैरिटी आती है तो आपको पता हो कि किस ब्रांड में प्रॉब्लम है। दूसरा, जहाँ तक लेवल्स की बात है, तो अब आपके 4 साल अगर ट्रांसप्लांट को हो गए हैं तो मेरा ख्याल है कि आपके टेस्ट जो है वो 6 monthly आराम से किए जा सकते हैं। अगर आपके टेस्ट नॉर्मल हैं, आपका टैक्रोलिमस का लेवल 4-5 के अराउंड है, तो इट्स परफेक्टली ओके। बेसिकली लेवल्स, जितना टाइम ज़्यादा गुजर जाता है लेवल्स की इतनी अहमियत एक्चुअली रहती नहीं है। प्राइमरीली आप ये देख रहे होते हैं कि आपके लिवर का फंक्शन ठीक है और टैक्रोलिमस की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, लाइक आपका गुर्दे डैमेज होकर क्रिएटिनिन बढ़ सकता है, आपका शुगर ज़्यादा हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो सकता है, ये चीज़ें जो हैं ये मुनासिब रहे। तो अगर कम लेवल पे, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ योर लेवल इज़ 3 लेकिन आपका लिवर ठीक है, गुर्दे ठीक है, तो एक्चुअली इट इज़ इवन बेटर। कि मकसद ये है कि लिवर में रिजेक्शन को रोका जाए और इस दवाई के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कम किए जाए। अगर लेवल बहुत ही कम है, मतलब दैट शुड नॉट हैपन कि आपका लेवल 1 है, यू नो, वो ठीक नहीं है। लेकिन आई थिंक 4 years आफ्टर ट्रांसप्लांट अगर लेवल 3-4 है, प्रोवाइडेड आपके LFTs बिल्कुल ठीक हैं, तो आई विल एक्सेप्ट दीज लो लेवल्स एज वेल। तो आप 6 monthly फ़िलहाल कर लें, 2-3 दफ़ा 6 monthly करें, अगर आपका लेवल फंक्शन ठीक रहता है, गुर्दे भी ठीक हैं, तो मे बी 5 साल के बाद आप once a year पे भी जा सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक एंड एन्जॉय योर लाइफ।